आज बना के तैयार करेंगे बिना गैस जलाए, बहुत ही हेल्दी हम लड्डू बना के तैयार करेंगे। आप इसे पिनिया भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। आज हम बनाएंगे रोस्टेड चना, जो होता है भुने हुए चने होते हैं, उससे आज हम लड्डू बना के तैयार करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम टाइम में हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू गुरप्रीत कौर किचन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ देखिए, मैंने चना लिया है, जो भुना हुआ चना होता है, जिसका छिलका उतरा हुआ होता है, ये वो चना है। तो यहाँ मैंने ये चना ले लिया है, ये आराम से शॉप से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ मैंने आधा किलो ये चना लिया है, इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है इस तरीके से। तो मिक्सी में जार में डाल के इसे हमें पीस लेना है। तो मैंने यहाँ मिक्सी में जार में डाल लिया है और यहाँ मैंने सारे चने को अच्छी तरीके से, देखिए ये पाउडर बन गया है, इस तरीके से हमें बना लेना है। इसको रखते हैं हम अलग और आगे और जो सामान इसमें डालना है वो देख लेते हैं। 100 ग्राम मैंने यहाँ पे गोले का बरूदा लिया है और 180 ग्राम मैंने यहाँ पे बूरा लिया है और 150 ग्राम यहाँ पे देसी घी है जो मेल्टेड है और 30 से 35 यहाँ पे काजू हैं, सॉरी बादाम लिए हैं और 80 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे ये मेलन सीड्स हैं, जो खरबूजे के बीज होते हैं, वो लिए हैं मैंने। तो इसको हमें मिक्सी में कर लेना है। आपकी इच्छा है आप इसे ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे मिक्सी में किया है। दोनों को हमें मिक्सी में कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पाउडर शुगर है, सॉरी जो पाउडर हमारा चने का बना हुआ है, वो हमने ले लिया है। इसके अंदर हमने डालना है, सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे गोले का बरूदा। इस तरीके से हमने यहाँ पे गोले का बरूदा डाल दिया है और उसके बाद जो बूरा रखा है, आप तो इसमें खांड भी यूज़ कर सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है खरबूजे के बीज 80 ग्राम के करीब और यहाँ पे बादाम मैंने लिए हैं, वो भी इसमें मैंने मिक्सी में करके डाल दिए हैं। तो सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब अनुसार आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और मीठा भी आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने देसी घी लिया है मेल्टेड, वो डाल दिया है। तो आप यहाँ पे घी को अच्छे से मिक्स कर लें। आप ये सारा देसी घी में भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें देसी घी मैंने इसमें कम डाला है, आप पूरा देसी घी में भी इसे बना सकते हैं। मैंने इसमें देसी घी डाला है और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से हाथों से। सारे को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है यहाँ पे जिससे हम इस लड्डू को बनाएंगे, तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये लड्डू बन रहे हैं लेकिन अभी पूरी तरह नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है, नॉर्मल दूध है, एकदम फ्रिज वाला मत लें, फ्रिज वाले दूध को पहले बाहर निकाल लें, थोड़ा ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए रूम टेम्परेचर पे, तो फिर उसे आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से दूध डाल लें, जितनी आपको ज़रूरत है लड्डू बनाने के लिए आप उतना इसमें दूध डालें। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए इसका कलर अच्छा सा चेंज हो गया है और ये लड्डू बनने के लिए तैयार है। और यहाँ मैंने इसके लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं। हाथों में थोड़ा देसी घी लगा लें ताकि लड्डू बनाने में आसानी हो जाए। और ये देखिए मैंने लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं और बड़े आराम से और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। और यहाँ देखिए मैंने दोनों हाथों से लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं और यहाँ हमारे बढ़िया से हेल्दी से लड्डू बन के तैयार हैं। तो 5 से 6 मिनट में हमारे ये लड्डू बनके तैयार हो जाने हैं। ना हमें घंटों खड़े होना है, ना हमें आटा भूनना है, ना हमें बेसन भूनना है और ना ही हमें, सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, ना हमें गैस जलाना है। तो बिना गैस जलाए हमारे ये लड्डू बनके तैयार हैं और इतने हेल्दी हैं कि इसे डायबिटीज़ वाले भी खा सकते हैं। ये आपके पूरे परिवार के लिए है, बच्चों को आप टिफ़िन में दें, डेली आप एक लड्डू बच्चों को टिफ़िन में दें और बड़ों को भी दें। बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें आप जानते हैं रोस्टेड चना कितना हेल्दी होता है। और पेट की सभी बीमारियों के लिए रामबाण औषधि है और जो हमारे बिना गैस जलाए झटपट से बनके तैयार हो जानी है। तो यहाँ मैंने देखिए बादाम से इसे गार्निश कर लिया है
और जो मैंने दूसरी तरफ छोटी छोटी सी पिनियाँ बना के तैयार करी हैं उसको मैंने जो खरबूजे के बीज थे उससे मैंने गार्निश कर लिया है। थोड़े से बीज मैंने रख लिए थे। आप गार्निश के लिए कुछ भी कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसी हेल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।